वेलकम डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, स्वागत है आपका अपने डस्ट फाइनेंस चैनल पर। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, अभी तो चलिए टाइटन दिख रहा है, ये है असली चीज। ISO 45001 2018 नीदरलैंड से सर्टिफिकेट ISO का मिला हुआ है। ISO 9001 2015 इंडिया, ये सर्टिफिकेट इन लोगों के पास है। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की कंप्लेन है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन करें फ्रेंड्स। तो कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस कंपनी का एनालिसिस हम करेंगे। इससे पहले आप जानते हैं हमने काफ़ी कंपनीज का एनालिसिस यहाँ किया है, जिसमें KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसके बाद आप देखेंगे कि साधना नाइट्रोकेम। हम मल्टीबैगर की तलाश में हैं और छोटे छोटे अच्छे शेयर सर्च कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जिससे हम भी शायद कभी आने वाले समय में मल्टीबैगर का फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, ये एक कंपनी एमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर लिमिटेड आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसके एनालिसिस हम देखें, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसे टाइटन कंपनी से कंपेयर किया है, क्योंकि एक समय ये मल्टीबैगर बनी है। आप जानते हैं काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इंडिया में इसमें स्टॉक है। देखिए इसका स्टॉक प्राइस का CAGR आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 22%, और सेल्स ग्रोथ 16 है और प्रॉफिट ग्रोथ 19 है। अब हम चलते हैं अपनी कंपनी के ऊपर। ये देखिए, एमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर लिमिटेड, 407 करोड़ का मार्केट कैपिटल, कोई छोटा मोटा नहीं है, अच्छा मार्केट कैपिटल है, शॉक एब्जॉर्ब कर सकती है। करंट प्राइस 74 रुपीज, और ROCE देखिए 25 और ROE देखिए 28। अभी आपने ROCE रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 27 था 10 ईयर्स का, और हमारा देखिए 28% रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसके स्टॉक प्राइस की मूवमेंट, तो ये 2005 में मात्र 3 रुपीज़ का शेयर हुआ करता था। अभी इसने अपना हाई बनाने के बाद 85 से भी ज़्यादा, आप देखेंगे 95 का हाई, और एट परसेंट ये मिल रहा है 78 पे। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, PE जो है इसकी अभी भी इतनी महंगी नहीं है, ये शेयर अभी भी सस्ता ही कहा जाएगा इसकी अर्निंग के हिसाब से। तो अब इसका कंपेरिजन इसके पीयर्स से करते हैं, तो हम देखते हैं कि 74 रुपीज़ की प्राइस वाला केमिकल सेक्टर का ये शेयर 12 की PE पे अभी अवेलेबल है, और इसी सेक्टर में देखिए अदर शेयर्स की PE देखिए 107, 90, 62। ठीक है, अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 25 एंड 28, अदर्स का देखिए देखिए मात्र 7, टाटा केमिकल का ये देखिए 12, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का ये देखिए 10, लिंडे इंडिया का जिसका शेयर फिलहाल 1865 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, अभी प्रमोटर होल्डिंग देखिए दमदार 73.17%, और आप देखेंगे दीपक नाइट्राइट 45, आरती इंडस्ट्री 46, भाव देखिए 1400, 1600, और कोई चेंज नहीं किया इन्होंने, अपनी प्रमोटर होल्डिंग घटाई भी नहीं है, कोई शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। प्रॉफिट देखिए जबरदस्त ग्रोथ 32% का, 32%, एंड आप देखेंगे टाटा केमिकल में मात्र 9% का। तो नाम पे ना जाएं और एनालिसिस अपनी करें, उसके बाद ही एंटर करें। ये देखिए सेल्स जो वेरिएशन है 5% का, वो ठीक नहीं लगा मुझे, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी 5.75 की, जबकि आप देखेंगे इसमें 26 है दीपक नाइट्राइट में सेल्स वेरिएशन। ये थोड़ा एक्टिवली ये मैनेजमेंट की कमी को दिखा रहा है कि मैनेजमेंट कोशिश करने के बावजूद सेल नहीं बढ़ा पा रहा है अपनी। 3 ईयर्स का रिटर्न देखिए, रिटर्न तो 3 ईयर्स का छोटा शेयर है तो मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट हम चीज़ इसमें देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस में आप पाएंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, मार्च 2009 से लेके मार्च 2020 तक का डाटा देखिए, सेल्स 156 करोड़ से लेके 399 करोड़, डबल से ज़्यादा हो चुकी है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की 399 ऑलरेडी है, तो अभी एक क्वार्टर के रिजल्ट अभी बाकी हैं इनके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 7 करोड़ से 52 करोड़ रुपीज़ पहुंच चुका है, ठीक है 8 टाइम्स लगभग। नेट प्रॉफिट देखिए मात्र 3 करोड़ से 30 करोड़, 10 टाइम्स प्रॉफिट में ग्रोथ की है इन्होंने।
डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड भी दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिल रहे हैं। एक सेल्स ग्रोथ इसकी 10 ईयर्स की पुअर है, 9%, ज़्यादा पुअर नहीं है लेकिन ठीक नहीं ग्रोथ के लिए। ये कमजोरी दिखाती है इस शेयर की कि मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 25% दमदार, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं आप टाइटन में, टाइटन में कितना है 19%, हमारे कितना है 25%। स्टॉक प्राइस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखिए 32%, टाइटन का देखिए 22%। ये सिर्फ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, आगे आने वाला समय इसके एनालिसिस अलग होगी क्योंकि इसके रिजल्ट्स आते रहेंगे, हमको देखना पड़ेगा कंपनी किस तरह से काम करनी है। और ये देखिए 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का है, तो कुछ जगह आगे कुछ जगह कम है। ये देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मार्च 2009 में 5 करोड़ का कैश होता था, आज 31 करोड़ का कैश है ऑपरेटिंग, यानी यहाँ पे काम तो चल रहा है। देखिए 9, 10 फिर डाउन हुआ, फिर 7, 20, मतलब कंपनी मेहनत तो कर रही है, इससे ये शो होता है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए जून 2018 से लेके मार्च 2021 तक नो चेंजेस इन द प्रमोटर होल्डिंग, 73/73 बनी हुई है। कंपनी स्ट्रगल कर रही है और स्ट्रगल ही मल्टी बेगर्स शेयर्स का कैरेक्टर है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, एल शेयर का नाम याद रखिए, एमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर लिमिटेड। देखते रहिए इसके रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट फॉलो कीजिए। अब देखिए 10,000 रुपये अगर आप, मैं कहता हूँ 20,000 रुपये अगर आप इस शेयर में लगाते हैं 32% की CAGR पे, देखिए 8,28,00,000 रुपये बनते हैं फ्रेंड्स, यानी 20,000 से सीधा 8,00,00,000 रुपये। पेशेंस चाहिए मल्टीबैगर को ट्रैक करने का, और यही मकसद था हमारा ये वीडियो बनाने का फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।